ये सुंदरबन है। भारत और बांग्लादेश के दूर दराज के हिस्सों में फैले हुए मैनग्रोव्स के इन जंगलों में पहुंचना आसान नहीं है। यहाँ जंगली जीवों और आदमखोर टाइगर्स की बेशुमार कहानियां छिपी हैं। एक ऐसी जगह जो इंसानों के लिए नहीं है। हजारों लोग यहाँ आने की कोशिश में मारी जा चुके हैं। साइंटिस्ट की एक टीम अब यहाँ एक ऐसा काम कर रही है जो पहले कभी नहीं हुआ है। वो सुंदरबन के टाइगर्स को नजदीक से स्टडी करेंगे ताकि इस सबसे कम नजर आने वाली और अहम टाइगर स्पीशीज की अब तक की सबसे पहली साइंटिफिक पोर्ट्रेट तैयार की जा सके। क्या उन्हें कामयाबी मिलेगी? डिकोडिंग द मैन ईटर्स ऑफ सुंदरबंस। मैं भारत में पैदा हुई हूँ और मैं जिम कॉर्बेट और रणथंभौर नेशनल पार्क जैसे मशहूर टाइगर रिजर्व्स में कई बार जा चुकी हूँ, लेकिन सुंदरबन के टाइगर्स की खौफनाक कहानियां सुनकर जंगली जीवों से प्यार करने वाले मुझ जैसे लोग इस इलाके के नजदीक आने से भी डरते थे। पर जब मुझे पता चला कि वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साइंटिस्ट की एक टीम सुंदरबन के टाइगर्स पर स्टडी करने आ रही है, तो मुझे लगा कि मेरे लिए ये एक बढ़िया मौका हो सकता है, क्योंकि उनके साथ जाकर मैं उन खतरनाक और कम नजर आने वाले टाइगर्स की एक झलक देख सकती थी। मैं खुशकिस्मत हूँ क्योंकि मुझे स्टडी टीम में शामिल होने के साथ ही उनके कुछ सबसे अहम फील्ड वर्क की फिल्मिंग करने की इजाजत मिली है। टीम के लीडर डॉक्टर यादवेंद्र देव झाला दुनिया के जाने माने टाइगर एक्सपर्ट हैं। उन्होंने रॉयल बंगाल टाइगर्स को भारत में उनकी रहने की तमाम कुदरती जगहों पर काफी नजदीक से स्टडी किया है, लेकिन सुंदरबन के टाइगर्स खुद उनके लिए भी एक रहस्य बने हुए हैं। हम भारत के बाकी हिस्सों के टाइगर्स के बारे में काफी कुछ जानते हैं। हम उन पर कॉलर्स लगाते हैं, कैमरा ट्रैप से उन्हें स्टडी करके भारत में उनकी आबादी का पता लगाते हैं, लेकिन सुंदरबन के टाइगर्स अब भी एक रहस्य बने हुए हैं। और इसकी वजह यह है कि ये एक खतरनाक जगह है। ये एक मैंग्रोव फॉरेस्ट है और इसमें सड़कें नहीं है। टाइगर्स इस मैंग्रोव में आजादी से घूमते हैं, लेकिन इंसानों के लिए यहाँ आना एक मुश्किल काम है। टाइगर्स कहाँ रहते हैं, वो अपना शिकार कैसे करते हैं, बच्चे कहाँ पैदा करते हैं? जब लहरें आती हैं तो उनके रहने के लिए बहुत कम सूखी जमीन बचती है। उम्मीद है हम इन रहस्यों को जान सकेंगे। डॉक्टर झाला अपनी टीम के साथ पिछले 2 सालों से मैनग्रोव्स में जाकर इन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत ही चुनौती भरा और खतरनाक मिशन है। सुंदरबन के टाइगर्स अपने इलाके में किसी घुसपैठिए का आना पसंद नहीं करते, और ये बात पिछले 100 सालों के रिकॉर्ड से सामने आई है। एक वक्त था जब हर साल करीब 1600 लोग इन टाइगर्स का शिकार बन जाते थे। बहुत से लोग अब भी मारे जाते हैं, तो क्या डॉक्टर झाला और उनकी टीम ये नामुमकिन काम कर पाएगी? आइए देखते हैं क्या होता है। सुंदरबन में अपने पहले ही दिन मुझे पता चला कि यहाँ आसपास एक टाइगर मौजूद है। जेम्सपुर नाम के इस गांव के लोगों को सुबह सुबह एक बुरी खबर मिली है। गांव के बाहरी इलाके में टाइगर के पंजों के निशान देखे गए हैं। रात के वक्त एक टाइगर गांव के बिल्कुल नजदीक तक आ गया था। यहाँ लोग तनाव में हैं और डरे हुए हैं। उनकी किस्मत ने कल रात उन्हें बचा लिया, लेकिन वो टाइगर आज रात यहाँ फिर आ सकता है। खबर तेजी से फैली है और टॉप फॉरेस्ट ऑफिसर्स फौरन यहाँ पहुंचे हैं। मैं वाइल्ड लाइफ के प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर डॉक्टर प्रदीप व्यास के साथ हूँ, जो गांव वालों को शांत रखने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने मुझे बताया है कि पिछले करीब 2 सालों में ये पहला मौका है जब कोई टाइगर जंगल से किसी गांव की तरफ आया है। जब भी कोई इंसान पैदल इस जंगल में घुसता है तो टाइगर्स उस पर हमला कर सकते हैं और उसे मार सकते हैं। हालांकि ये बहुत ही इंटेलिजेंट टाइगर है, लेकिन कई बार
बहुत सी वजहों से टाइगर्स जंगलों से भटककर नजदीकी इंसानी बस्तियों की तरफ भी आ जाते हैं, और गांव में अक्सर बहुत से लोग घर के बाहर भी सोते हैं, लेकिन ये टाइगर उन्हें कुछ नहीं करता और चुपचाप उनके नजदीक से निकल जाता है। पिछले करीब 30 सालों में सिर्फ एक ऐसा मौका था जब कोई टाइगर सुंदरबन से गांव की तरफ आया और उसने एक शख्स की जान ले ली। सुंदरबन 102 टापुओं का एक समूह है। उनमें से 54 टापुओं पर इंसान रहते हैं और बाकी टापुओं पर टाइगर्स का कब्जा है। ज्यादातर जगहों पर तो टाइगर्स और इंसानों के रहने की जगहों के बीच सिर्फ एक छोटा सा वाटर चैनल ही होता है। हाल ही में जंगल के बिल्कुल नजदीक कोस्ट लाइन के आसपास नायलॉन के नेट की बाड़ लगाई गई है ताकि टाइगर्स आसानी से मैंग्रोव पार करते हुए गांवों की तरफ ना पहुंच सकें। हैरानी की बात है कि नायलॉन का नेट अब तक सही काम कर रहा था। टाइगर्स के लिए ये एक साइकोलॉजिकल बैरियर था और इस नेट को लगा हुआ देख कर वो अक्सर जंगल की तरफ वापस लौट जाते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है। जान से पता चला है कि किसी ने नेट के साथ छेड़छाड़ की है। शायद किसी ने गैर कानूनी तरीके से मछली पकड़ने के लिए नेट को ऊपर उठाया था और टाइगर ने उस जगह का फायदा उठाया। एक मछुआरा गैर कानूनी तरीके से मछली पकड़ने वहां पहुंच गया। उसने नेट को उठाकर बस उसे बांध दिया और टाइगर को वहां से निकलना आसान लगा क्योंकि वो एक खुली जगह थी। टाइगर उसमें से कल निकला था, लेकिन लकीली वो ज्यादा अंदर नहीं गया और वापस लौट गया। अंधेरा होने वाला है, इस वक्त बाड़ को ठीक करना खतरनाक होगा। अगली सुबह फॉरेस्ट स्टाफ ने नायलॉन फेंस को ठीक करने का काम शुरू किया है। वो काफी तेजी से काम कर रहे हैं और अंधेरा होने से पहले उन्हें ये काम पूरा करना है। मैंने इस तरह की चीज पहले कभी नहीं देखी है। लोग टाइगर के खतरे के ठीक बीच जिंदगी जी रहे हैं और उनके और टाइगर के बीच सिर्फ एक नायलॉन की बाड़ मौजूद है। इस इलाके में रहने वाले करीब 40 लाख लोगों के लिए ये एक सच्चाई है। उन्हें सिर्फ सबसे खतरनाक टाइगर्स के नजदीक ही नहीं रहना पड़ रहा है, बदकिस्मती से कुदरत भी उनके खिलाफ काम कर रही है। इस इलाके का ज्यादातर पानी खारा है और ये इंसानों के इस्तेमाल या खेती बाड़ी के काम नहीं आ सकता। सिंचाई की सुविधा की कमी की वजह से साल में सिर्फ एक ही फसल उगाई जा सकती है। लोगों की मुश्किलें बढ़ाने के लिए यहाँ लगातार तूफान और साइक्लोन्स भी आते हैं। राइटर अमिताभ घोष ने अपने नॉवल द हंग्री टाइड में लिखा है, सैकड़ों सालों से दुनिया के सिर्फ तंगहाल और नाउम्मीद लोग ही सुंदरबन के कभी ना खत्म होने वाले कीचड़ के बीच अपना वजूद कायम रखने में कामयाब हो पाए हैं। जब खेतों में काम नहीं होता तो पैसा कमाने के लिए गांव वाले मछली पकड़ने, लकड़ियां काटने और शहद और मधुमक्खी के वैक्स इकट्ठा करने का काम करते हैं, और इसके लिए उन्हें टाइगर के इलाके में जाना पड़ता है। जब भी कोई इस खतरनाक जंगल में जाता है तो उसका परिवार यही सोचता है कि वो उसे आखिरी बार देख रहे हैं। वो उसके सुरक्षित लौटने के लिए मंदिर में स्थानीय देवी मनोबीवी की पूजा करते हैं। गांव वालों का मानना है कि राक्षसों का राजा दक्षिण राय टाइगर का रूप लेकर हमला करता है और उन्हें मार डालता है, और सिर्फ मनोबीवी ही उन्हें उस राक्षस से बचा सकती हैं। इन इलाकों के लिए टाइगर एक मिथिकल जीव है और लोगों के अंधविश्वास के मुताबिक उसमें दैवीय शक्तियां हैं। गुजरे हुए सालों के दौरान टाइगर्स ने बेशुमार इंसानों को अपना शिकार बनाया था, और शायद इंसानों का शिकार करने की वजह से ही स्थानीय लोग उन्हें आदमखोर कहने लगे।
लोगों को लगा कि टाइगर्स को इंसानी मांस खाने की आदत पड़ चुकी है। 19वीं शताब्दी के पुराने रिकॉर्ड के मुताबिक इस इलाके में टाइगर्स ने हजारों लोगों को मारकर खाया था। टाइगर्स को मारने के लिए इनामों की घोषणा की गई। 1883 में हर टाइगर के लिए 15 रुपए दिए जाते थे, लेकिन इंसानों के मरने के साथ ही इनाम की रकम बढ़ाई गई। 1906 में ये रकम कई गुना बढ़ाकर 200 रुपए कर दी गई। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की सालाना रिपोर्ट्स के मुताबिक 1881 और 1912 के बीच 2400 से भी ज्यादा वयस्क टाइगर्स को मारा गया था। मैंने इन टाइगर्स के बारे में बहुत सी कहानियां सुनी हैं कि वो इंसानों को खाते हैं। क्या ये बात वाकई सच हो सकती है कि मैनग्रोव के खारे पानी की वजह से वो आदमखोर बने हैं? डॉक्टर व्यास ने इन मैनग्रोव में अपनी पूरी जिंदगी बिताई है। वो टाइगर्स को हर हाल में बचाना चाहते हैं, लेकिन क्या इस कहानी का कोई दूसरा पहलू भी है? डॉक्टर झाला एक बहुत ही दिलचस्प बात बता रही हैं। मैंग्रोव में हर मूव करने वाली चीज एक शिकार है, तो जब इंसान इसमें आते हैं तो टाइगर के लिए हिरण या इंसान में कोई फर्क नहीं होता, वो इंसान पर भी हमला करते हैं। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ है कि किसी टाइगर ने गांव में घुसकर लोगों पर हमला किया हो। गांव में ऐसे हादसे होते हैं जब कोई टाइगर मवेशियों पर या किसी भेड़ या बकरी पर हमला करता है, और कई बार इसमें कोई आदमी भी जख्मी हो जाता है। लेकिन इंसान के खाए जाने की कोई घटना नहीं हुई है, तो इन टाइगर्स को आदमखोर नहीं कहा जा सकता। हालांकि वो इंसान को मारते हैं अगर वो जंगल में घुसता है, लेकिन टाइगर्स किसी गांव में जाकर इंसानों को नहीं मारते हैं। तो अगर उन्हें आदमखोर कहा जाए तो मेरे ख्याल से ये बिल्कुल गलत होगा। लेकिन टाइगर्स के बिहेवियर के बारे में कोई साइंटिफिक स्टडी नहीं होने की वजह से ये मिथ अब भी कायम है। तो डॉक्टर झाला और उनकी टीम की इस अनोखे टाइगर को साइंटिफिकली डिकोड करने की अपने किस्म की ये पहली कोशिश वाकई काफी अहम है। गांव से निकलकर हम सुंदरबंस नेशनल पार्क के कोर एरिया में जा रहे हैं, जहां हम डॉक्टर झाला और उनकी टीम से मिलेंगे। मैनग्रोव में जाने के लिए कोई सड़क या यहां तक कि कोई कच्चा रास्ता भी नहीं है। छोटी नाव में बैठकर मैनग्रोव के किनारे चलते हुए आपको किसी टाइगर के नजर आने की उम्मीद हो सकती है। इन चैनल्स को कल्स कहा जाता है। ये कल्स बस कुछ ही मीटर चौड़े हैं और इन्हीं में से गुजरते हुए टाइगर्स एक से दूसरे टापू में जाते हैं। लेकिन ऐसे ट्रिप्स में खतरा भी होता है। हम यहाँ सिर्फ इन आर्म्ड गार्ड्स के साथ ही आ सकते हैं, जिनकी ड्यूटी पार्क के ऑफिसर्स ने हमारी सुरक्षा के लिए लगाई है। सुंदरबन के टाइगर्स बढ़िया तैराक भी हैं और वह आसानी से किसी छोटी नाव को पलट सकते हैं। हमारे एक ट्रिप के दौरान हमें मछली पकड़ने वाली कुछ महिलाएं नजर आई हैं, जो कल से निकलने की जल्दी में हैं। उनके नजदीक आने पर मैं उनके चेहरे पर छाया डर साफ देख सकती हूँ। मैं समझ गई हूँ कि उन्होंने क्या देखा होगा। मैंने उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ बोलती हुई एक मोड़ पर जाकर गायब हो गई। फॉरेस्ट गार्ड्स उनकी भाषा जानते थे और उन्होंने बताया कि वो अभी अभी एक टाइगर से बच कर आई हैं। हमसे बस कुछ ही मीटर दूर इस वाटर चैनल की चौड़ाई काफी कम है। टाइगर ने उसी जगह छलांग लगाकर महिलाओं पर हमला करने की कोशिश की थी। खुशकिस्मती से वो उन्हें नहीं पकड़ पाया। सुंदरबन के टाइगर के इतने नजदीक मैं पहली बार आई हूँ। अब तक मैंने उसके पंजों के निशान ही देखे थे, लेकिन अब मैं जान चुकी हूँ कि हम उस शानदार जीव से बस कुछ ही मिनटों की दूरी पर हैं। ये ख्याल रोमांचित करने के साथ ही डर भी पैदा कर रहा है। आर्म्ड गार्ड्स के साथ होने से मैं सुरक्षित महसूस कर रही हूँ, लेकिन एक गार्ड मुझे थोड़ा फिक्रमंद भी लग रहा है। उसका कहना है कि अगर टाइगर ठीक उसके सामने आ जाए तो उसका हथियार काम नहीं आ पाएगा। हम खामोशी से धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। मुझे सिर्फ उन चप्पुओं की आवाज सुनाई दे रही है जो पानी को चीरते हुए नाव को आगे ले जा रहे हैं। पूरे जंगल में जैसे एक बेचैनी सी दिख रही है।
गार्ड्स ने अपनी गन्स कस कर पकड़ी हुई है और वो झाड़ियों और पेड़ों की डालियों को ध्यान से देखते हुए उस शिकारी पर नजर रख रहे हैं। वो नहीं है, वो अब तक जंगल में जा चुका है। मुझे सुकून मिलने के साथ साथ निराशा भी हुई है। मैं इतनी दूर सफर करके उस अनोखे जीव की एक झलक देखने आई थी। हालांकि मुझे थोड़ा अफसोस हो रहा है कि हम कुछ मिनट देर से यहाँ पहुंचे, लेकिन मेरे दिल का एक कोना राहत भी महसूस कर रहा है। मैनग्रोव्स का हमारा सफर जारी है और मैं सोच रही हूँ कि इस इलाके में रहने इंसान ही नहीं बल्कि जंगली जीव भी कितनी जद्दोजहद भरी जिंदगी जी रहे हैं। इस मुश्किल इलाके में रहना एक चुनौती है। इसकी दलदली जमीन में नोमैटाफोर्स कही जाने वाली नुकीली जड़ी निकली हुई है और उनके बीच चलना आसान नहीं है। यहाँ मीठा पानी मिल पाना मुश्किल है और उन्हें खारा पानी पीकर जिंदा रहना सीखना पड़ता है। यहाँ खाने की भी कमी है, तो ऐसे मुश्किल हालात में टाइगर आखिर कैसे जिंदा रह पाता है? मैंने इस बारे में डॉक्टर झाला से पूछा। अब जरा सोचिए, 300 किलो का टाइगर मैंग्रोव के दलदल में कैसे चल सकेगा? वो घुटनों तक कीचड़ में होगा और उसे न्यूमेटोफोर से खुद को बचाना भी होगा। सुंदरबन के टाइगर का साइज काफी छोटा होता है और उसका वजन 100 से 120 किलो के बीच होता है। वो मैंग्रोव के लिए बना है, वो इस दलदली इलाके में इवॉल्व हुआ है। उनके शिकार का साइज भी छोटा होता है। किसी सांबा या गौर को मारने के लिए उसे बड़ा साइज का होने की जरूरत नहीं है। 100 किलो का टाइगर चीतल या जंगली शुकर को आसानी से मार सकता है। साइज छोटा होने की वजह से उसे खाना भी कम चाहिए होता है। छोटे जीवों का शिकार करके वो मैंग्रोव में जिंदा रह सकता है, जो एवोल्यूशन के लिहाज से लगता है कि सुंदरबन के ज्यादातर जंगली जीवों ने जिंदा रहने के लिए खुद को इस माहौल के मुताबिक ढाला है। घास की कमी की वजह से हिरन जैसे जीवों ने पत्ते खाने शुरू किए और शायद घास खाने वाले दूसरे विशाल जीवों को यहाँ के मुताबिक ढलने में मुश्किल हुई होगी, इसलिए वो इस जंगल से गायब हो गए। सुंदरबन हिमालय की दो विशाल नदियों गंगा और बंगाल की खाड़ी में ब्रह्मपुत्र के डेल्टा के बीच मौजूद है। ये भारत और बांग्लादेश के 10,000 वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा इलाके में फैला है। ये दुनिया के सबसे विशाल मैंग्रोव में से एक है और ये दुनिया के अकेले मैंग्रोव हैं जहां टाइगर्स पाए जाते हैं। लहरों के आने जाने से यहां जीवों के लिए एक अनोखा एनवायरनमेंट तैयार हुआ है। मैंग्रोव में हमें रीसस मैकैक्स की एक बस्ती नजर आई है। पानी कम हो रहा है और वो खाने की तलाश में धीरे धीरे पेड़ों से नीचे उतर रहे हैं। सुंदरबन के मैंग्रोव में इन बंदरों की तादाद काफी ज्यादा है और ये टाइगर का पसंदीदा भोजन है। इन्हें जमीन और पानी दोनों जगहों पर सावधान रहना सीखना पड़ता है। इन्हें सिर्फ टाइगर से ही खतरा नहीं है, इन्हें खुद को क्रोकोडाइल से भी बचाना होता है। मैं देख रही हूँ कि वो पानी में अपना हर कदम काफी संभाल कर रख रहे हैं। इस बीच वो आसपास नजर भी रख रहे हैं और खुद मैं भी ऐसा करती अगर मुझे पता होता कि नजदीक ही कोई टाइगर मौजूद है। वो खारे पानी में तैरने से बचते हैं, लेकिन कुछ बंदरों ने इन वाटर चैनल्स को पार करने का एक अनोखा तरीका ढूंढा है। वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा लगाए गए नायलन की बाड़ को पुल की तरह इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कभी कभी उन्हें तैरना भी पड़ता है। हालांकि पानी में उनके लिए खतरा भी होता है। फल बीज और फूल खाते हैं और बुनियादी तौर पर शाकाहारी होते हैं।
लेकिन अक्सर यहाँ उन्हें जिंदा केकड़े या फिर पानी के किनारे पर जाकर मछली खाते हुए भी देखा जा सकता है। शायद खाने की कमी और उसे हासिल करने के खतरनाक मुकाबलों से बचने के लिए उन्हें अपने खुराक में बदलाव करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। हम टाइगर को अभी नहीं देख पाए हैं, लेकिन हमें एक और बढ़िया चीज नजर आई है, जंगली बिल्ली। ये बहुत कम नजर आती है और ये बिल्लियाँ काफी शर्मीली हैं। ये घरेलू बिल्ली जैसी दिखती हैं, लेकिन साइज में उनसे दुगनी है और ज्यादा ताकतवर भी हैं। सुपरमून 60 से भी ज्यादा सालों बाद दुनिया के एक सबसे खतरनाक इलाके में सबसे चमकदार चांद निकला है। ये सुंदरबन है। भारत और बांग्लादेश के दूर दराज के हिस्सों में फैले हुए मैनग्रोव्स के इन जंगलों में पहुंचना आसान नहीं है। यहाँ जंगली जीवों और आदमखोर टाइगर्स की बेशुमार कहानियां छिपी हैं। एक ऐसी जगह जो इंसानों के लिए नहीं है। हजारों लोग यहाँ आने की कोशिश में मारी जा चुके हैं। साइंटिस्ट की एक टीम अब यहाँ एक ऐसा काम कर रही है जो पहले कभी नहीं हुआ है। वो सुंदरबन के टाइगर्स को नजदीक से स्टडी करेंगे ताकि इस सबसे कम नजर आने वाली और अहम टाइगर स्पीशीज की अब तक की सबसे पहली साइंटिफिक पोर्ट्रेट तैयार की जा सके। क्या उन्हें कामयाबी मिलेगी? डिकोडिंग द मैन ईटर्स ऑफ सुंदरबंस। मैं भारत में पैदा हुई हूँ और मैं जिम कॉर्बेट और रणथंभौर नेशनल पार्क जैसे मशहूर टाइगर रिजर्व्स में कई बार जा चुकी हूँ, लेकिन सुंदरबन के टाइगर्स की खौफनाक कहानियां सुनकर जंगली जीवों से प्यार करने वाले मुझ जैसे लोग इस इलाके के नजदीक आने से भी डरते थे। पर जब मुझे पता चला कि वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साइंटिस्ट की एक टीम सुंदरबन के टाइगर्स पर स्टडी करने आ रही है, तो मुझे लगा कि मेरे लिए ये एक बढ़िया मौका हो सकता है, क्योंकि उनके साथ जाकर मैं उन खतरनाक और कम नजर आने वाले टाइगर्स की एक झलक देख सकती थी। मैं खुशकिस्मत हूँ क्योंकि मुझे स्टडी टीम में शामिल होने के साथ ही उनके कुछ सबसे अहम फील्ड वर्क की फिल्मिंग करने की इजाजत मिली है। टीम के लीडर डॉक्टर यादवेंद्र देव झाला दुनिया के जाने माने टाइगर एक्सपर्ट हैं। उन्होंने रॉयल बंगाल टाइगर्स को भारत में उनकी रहने की तमाम कुदरती जगहों पर काफी नजदीक से स्टडी किया है, लेकिन सुंदरबन के टाइगर्स खुद उनके लिए भी एक रहस्य बने हुए हैं। हम भारत के बाकी हिस्सों के टाइगर्स के बारे में काफी कुछ जानते हैं। हम उन पर कॉलर्स लगाते हैं, कैमरा ट्रैप से उन्हें स्टडी करके भारत में उनकी आबादी का पता लगाते हैं, लेकिन सुंदरबन के टाइगर्स अब भी एक रहस्य बने हुए हैं। और इसकी वजह यह है कि ये एक खतरनाक जगह है। ये एक मैंग्रोव फॉरेस्ट है और इसमें सड़कें नहीं है। टाइगर्स इस मैंग्रोव में आजादी से घूमते हैं, लेकिन इंसानों के लिए यहाँ आना एक मुश्किल काम है। टाइगर्स कहाँ रहते हैं, वो अपना शिकार कैसे करते हैं, बच्चे कहाँ पैदा करते हैं? जब लहरें आती हैं तो उनके रहने के लिए बहुत कम सूखी जमीन बचती है। उम्मीद है हम इन रहस्यों को जान सकेंगे। डॉक्टर झाला अपनी टीम के साथ पिछले 2 सालों से मैंग्रोव्स में जाकर इन सवाल रहे हैं। पानी में तैरते हुए देखा जा सकता है। मुझे पता चला है कि स्थानीय मछुआरों की इन डॉल्फिन से एक बहुत ही खास किस्म की दोस्ती है। वो अपनी नाव को थपथपाकर इन डॉल्फिन को बुलाते हैं। डॉल्फिन्स के लिए ये मछलियों को उनके जाल की तरफ धकेलने का संकेत है, और मैं हैरान हूँ क्योंकि वो ऐसा कर भी रही हैं। इस सफर पर निकलने से पहले मुझे बताया गया था कि ये इलाका बहुत ही मुश्किल और खतरनाक है, और यहाँ टाइगर आसानी से नहीं दिख पाएगा। इस दलदली जंगल में 1 महीने से ज्यादा वक्त बिताने के बाद मुझे लगने लगा है कि ये मिशन वाकई काफी चुनौती भरा है। हम मैनग्रोव्स के किनारे मौजूद नैरो वाटर चैनल्स में कई घंटों से घूम रहे हैं।
ताकि किसी तरह हमें जंगल में किसी टाइगर की एक झलक दिखाई दे सके, लेकिन उनका दिख पाना नामुमकिन सा लग रहा है। और यही वजह है कि इतने अरसे से ये टाइगर्स हमारे लिए एक रहस्य बने हुए हैं। और इसीलिए डॉक्टर झाला और उनकी टीम की इस अनोखे टाइगर को साइंटिफिकली डिकोड करने की कोशिश बहुत ही अहमियत रखती है। टीम पिछले 2 सालों से सुंदरबन में काम कर रही है और उनके मिशन की यह आखिरी ट्रिप है। इस दौरान उन्होंने 7 टाइगर्स पर कॉलर्स लगाए हैं। इस आखिरी ट्रिप में वो कम से कम एक और टाइग्रस को कॉलर लगाने की उम्मीद कर रहे हैं। उन्हें टाइग्रसेस के बिहेवियर के बारे में थोड़ी और जानकारी चाहिए। ट्रैप लगाने से पहले उन्हें कुछ जगहों की पहचान करनी होगी जहां टाइग्रस के मिलने की सबसे ज्यादा उम्मीद हो सकती है। कैमरा ट्रैक से उनकी मूवमेंट के बारे में जाना जा सकता है, लेकिन ये काम उतना आसान नहीं है। मैनग्रोव में जाना हमेशा से खतरनाक रहा है। डॉक्टर व्यास इस खतरे को अनदेखा नहीं करना चाहते। वो आर्म्ड गार्ड्स को साथ में लेकर आगे जा रहे हैं। ये पहली बार है जब किसी कैमरा टीम को मैनग्रोव में इतने अंदर तक आने दिया गया है। ये पहला मौका है जब हम अपनी नाव से उतरकर पार्क के कोर एरिया में अपने कदम रखेंगे। यहाँ कोई सड़क या पगडंडी नहीं है और हमें इन घने पेड़ पौधों के बीच रास्ता बनाते हुए आगे जाना है। हम धीरे धीरे जंगल की ओर बढ़ रहे हैं और इस बीच फॉरेस्ट स्टाफ काफी तनाव में लग रहा है। गार्ड्स की मौजूदगी के बावजूद टाइगर के रास्ते पर कोई नहीं आना चाहता। आखिरकार हम एक ठीक से लगने वाली जगह पर पहुंचे हैं और डॉक्टर झाला ने अपना काम शुरू किया है। पेड़ों पर 2 कैमरेज लगाए गए हैं, लेकिन कोई ऐसी चीज भी चाहिए जिसके लालच में टाइगर यहाँ आ सके। उन्होंने मीठे पानी का एक बर्तन रखा है, लेकिन ये काफी नहीं होगा, इसलिए उन्होंने पहले से आजमाया हुआ स्टिंक बॉम्ब भी लगाया है। ये मछली की आंतों और अंडों का एक मिक्सचर है जिसे एनारोबिक कंडीशन में सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है। ये छोटे बड़े सभी मांसाहारी जीवों को अट्रैक्ट करता है और उनके आने पर हमारे कैमरास उनकी तस्वीरें ले लेते हैं। टाइगर्स इसे पसंद करते हैं। कैमरा ट्रैक से 2 मकसद हल होते हैं। टाइगर्स की मूवमेंट पर नजर रखने के साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि दोनों देशों में मौजूद सुंदरबन के मैनग्रोव में टाइगर्स की तादाद कितनी है। एक स्पेशल सॉफ्टवेयर से टाइगर्स की धारियों के मुताबिक उनकी पहचान की जा सकती है और उसकी मदद से 2014 में पहली बार भारत और बांग्लादेश के सुंदरबन के इलाके में साइंटिफिक सेंसस कंडक्ट की गई। उसके हैरतअंगेज नतीजे सामने आए। टाइगर्स के रहने की लगभग 60% जगहों पर कैमरा ट्रैप्स लगाए हैं। हमारे पास सैकड़ों टाइगर इमेजेस हैं और उनसे हमें पता चला है कि भारत और बांग्लादेश में टाइगर्स की तादाद 400 या 500 नहीं बल्कि सिर्फ 200 के करीब है। टाइगर्स की तादाद का पता लगाने के लिए कैमरा ट्रैप्स का लगातार इस्तेमाल किया जा रहा है। इस जानकारी की मदद से रिसर्च टीम ने टाइगर्स कैप्चर करने की सबसे बेहतरीन जगहों की पहचान की है और अब पिंजरे लगाने का वक्त है। ऐसी 4 जगह तय की गई हैं जहां टाइगर के पकड़े जाने की उम्मीद ज्यादा हो सकती है। पिंजरों को नावों पर रखकर उन जगहों पर लाया जा रहा है। मैं उस जगह के पीछे हूँ जहाँ पिंजरा रखा गया है। यहाँ टाइगर के पंजों के ताजा निशान है और इसका मतलब है कि वो कुछ वक्त पहले यहाँ आया था। उम्मीद है कि ये उसे पिंजरे तक लाने में कामयाब हो जाएंगे। हर कोई बेसब्री से इंतजार कर रहा है। 3 दिन बीत चुके हैं लेकिन टाइगर का कोई सुराग नहीं मिला है। तनाव बढ़ रहा है और हर कोई फिक्रमंद है। टीम अगर टाइगर को नहीं पकड़ पाए तो क्या होगा? वो इस बार एक टाइग्रस को पकड़ने की उम्मीद कर रहे थे क्योंकि उसके बिहेवियर के बारे में उन्हें थोड़ी और जानकारी चाहिए थी। उन्हें इस बारे में फिलहाल ज्यादा नहीं पता है।
वो नाकामयाब हुए तो ये अच्छी खबर नहीं होगी। टीम इस मुश्किल प्रोजेक्ट में अब तक 2 साल लगा चुकी है। इस आखिरी ट्रिप में उन्हें एक और टाइग्रेस को कॉलर लगाना है, वरना पूरा मिशन ही बेकार हो सकता है। डॉक्टर झाला के मुताबिक इन जगहों पर बात नहीं बन पाएगी। उन्होंने फौरन 2 नई जगहों पर 2 और पिंजरे लगाए हैं। हम फिर से इंतजार कर रहे हैं। आखिरकार किस्मत ने साथ दिया है। फॉरेस्ट ऑफिसर्स की टीम ने एक टाइग्रेस को पकड़ा है जो गांव की तरफ आ गई थी, और उसे रेस्क्यू सेंटर में ले जाया जा रहा है। डॉक्टर झाला ने स्टडी करने के लिए उसे कॉलर लगाया है। उसे देखने से पहले ही मुझे उसके गुस्से से भरी दहाड़ सुनाई दी है। उसकी पहली झलक ने मुझे हैरान कर दिया है। वो उतनी ही शानदार है जितनी मैंने उम्मीद की थी। इससे ज्यादा ताकतवर और सुंदर टाइग्रेस मैंने पहले कभी नहीं देखी है, और शायद इसीलिए डॉक्टर व्यास ने इसका नाम सुंदरी रखा है, यानी खूबसूरत। रिसर्च टीम ने फौरन अपना काम शुरू किया है। 2 ट्रैंक्यूलाइजर डार्ट्स और 1 GPS कॉलर तैयार कर लिया गया है। पार्क मैनेजमेंट के लिए ये बहुत ही अहम पल है, और इसीलिए तमाम टॉप ऑफिसर्स रेस्क्यू सेंटर में पहुंच चुके हैं। लेकिन सुंदरी इसके लिए तैयार नहीं है। पिंजरे में होने के बावजूद उसे शांत रख पाना मुश्किल हो रहा है। पहला डार्ट फायर किया गया है। डांट बस सुंदरी से टकरा कर नीचे गिर गया है। इसकी स्किन काफी थिक है। ब्लो पाइप की मदद से अब एक और डांट फायर किया गया है, लेकिन कोई फायदा नहीं। डांट अपना काम नहीं कर पाए हैं। तनाव बढ़ता जा रहा है। हर गुजरते पल के साथ ही सुंदरी और ज्यादा आक्रामक होती जा रही है। डॉक्टर झाला ने थोड़ा इंतजार करने का फैसला किया है। उन्होंने सबको एनक्लोजर से बाहर जाने के लिए कहा है, ताकि सुंदरी कुछ शांत हो सके। सुंदरी पिंजरे में है, पर फिर भी मुझे उससे डर लग रहा है। लेकिन मैं उस पर से नजरें नहीं हटा पा रही हूँ। सुंदरी की गरज में शाही अंदाज है, उसकी दहाड़ में एक खूबसूरती है। करीब 10 मिनट बाद डॉक्टर झाला ने एक और फैसला किया है। वो सुंदरी को स्क्वीज केज में पूरी तरह बेहोश करना चाहते हैं। डॉक्टर सनत को लगा है सुंदरी कंट्रोल में है, और उन्होंने पिंजरे में हाथ डालकर दोनों डार्ट्स वापस निकालने की कोशिश की है। डॉक्टर झाला जानते हैं कि ये खतरनाक है, इसलिए उन्होंने उन्हें मना किया है। केयरफुल, ऐसा मत करना। नहीं ऐसा बिल्कुल मत करना, वो काट लेगी। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत करना। नहीं ऐसा मत करना, तुम प्लीज ऐसा मत करना, बहुत डेंजरस है। सुंदरबन की टाइग्रेस अपनी शोहरत के मुताबिक ताकतवर, खतरनाक और आक्रामक है, और पिंजरे में भी काबू नहीं आ रही। लेकिन ब्लो पाइप से उसका ध्यान बटा है, और डॉक्टर सनत ने फौरन अब तीसरा डार्ट इस्तेमाल किया है। आखिरकार करीब 1 घंटे की मेहनत के बाद सुंदरी अब बेहोश हो चुकी है। स्टडीज से पता चला है कि सुंदरबन के टाइगर के स्कल का साइज मेनलैंड बंगाल टाइगर्स के मुकाबले काफी छोटा होता है। मेनलैंड टाइगर्स से इनका बॉडी वेट भी लगभग आधा होता है। एक सेकंड रुको। हाँ उठाओ। डॉक्टर झाला ने अब तक सुंदरबन की जितनी भी टाइग्रेसेस देखी हैं, उनमें सुंदरी सबसे ताकतवर है। किसी मेल टाइगर जितनी भारी है। टीम बहुत तेजी से काम कर रही है, ताकि टाइग्रेस के होश में आने से पहले उसे GPS कॉलर लगाया जा सके।
आप देख सकते हैं कि इसके दांत पीले होने लगे हैं और इसका मतलब इसकी उम्र करीब 3.5 या 4 साल है। डॉक्टर सनित सुंदरी की हालत पर पूरी नजर रखे हुए हैं। उन्होंने एनालिसिस के लिए उसके ब्लड और डीएनए सैंपल्स भी लिए हैं। जान से पता चला है कि सुंदरी के अब तक बच्चे नहीं हुए हैं। सुंदरी करीब 4 साल की है और काफी सेहतमंद है। उस पर जीपीएस कॉलर लगा दिया गया है। 1 साल बाद यह अपने आप उससे अलग हो जाएगा। कॉलर को अच्छी तरह चेक किया गया है कि कहीं उसकी गर्दन ना कसी जा रही हो। सुंदरी अब जंगल में वापस छोड़े जाने के लिए तैयार है। उसे एक पिंजरे में डाला गया है। सुंदरी को उसी इलाके में छोड़ा जाना जरूरी है जहां से उसे पकड़ा गया था, और उस जगह पहुंचने के लिए हम पिंजरे को नाव पर रखकर 3 घंटे के लंबे सफर पर निकले हैं। सफर के दौरान हमें बहुत से बड़े कार्गो शिप्स दिखाई दिए हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच मौजूद पानी के इन रास्तों पर अब कमर्शियल कार्गो शिप्स काफी तादाद में नजर आने लगे हैं। डॉक्टर झाला और दूसरे कंजर्वेशनिस्ट को फिक्र है कि इससे दोनों देशों के बीच टाइगर्स का आना जाना उतना आसान नहीं रह जाएगा। कमर्शियल वजहों से इन वाटर चैनल्स का इस्तेमाल बढ़ रहा है और इससे लगातार रुकावटें पैदा हो रही हैं। इससे टाइगर्स की रहने की जगहें कम होने लगेंगी। वो एक से दूसरे टापू पर नहीं जा सकेंगे और एक वक्त आएगा जब उनकी तादाद बहुत कम हो जाएगी। इसका नतीजा ये होगा कि उनमें इनब्रीडिंग होगी और वो एक्सटिंक्ट होने लगेंगे। इसका ख्याल रखा जाना जरूरी है। हमें सुंदरबन में कॉरिडोर्स बनाने होंगे जिससे भारत और बांग्लादेश के बीच टाइगर्स का जीन फ्लो पहले की तरह हो सके, और ये कंजर्वेशनिस्ट के साथ साथ मैनेजमेंट और पॉलिसीज बनाने वालों के लिए। इलाके में पहुंचने तक शाम हो चुकी है। सफर के दौरान डॉक्टर सनत उसका ख्याल रखते रहे हैं ताकि उसे किसी तरह की परेशानी ना हो। ये सुंदरी के घर जाने का वक्त है। खुशी के साथ साथ मुझे दुख भी हो रहा है। मुझे उसका सही जगह लौटना अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं कुछ देर और उसके साथ रहना चाहती हूँ ताकि उसे जी भर के देख सकूं। सुंदरी को यहाँ रिलीज करने में खतरा भी है, और खतरा ये है कि कहीं वो हमारी किसी नाव पर हमला ना कर दे। ये लोग काफी सावधानी बरत रहे हैं। वो नाव और किनारों के बीच नायलॉन के नेट की बाड़ लगा रहे हैं। हर चीज सुरक्षित लग रही है। रिलीज बोट को कुछ इस तरह सेट किया गया है कि पिंजरा खुलने के बाद सुंदरी सीधे जंगल की तरफ जा सके, लेकिन डांट लगाने के दौरान सुंदरी दिखा चुकी है कि वो अपने फैसले खुद लेती है और हमारे काबू से बाहर है। पिंजरे का दरवाजा खुलते ही सीधे किनारे की तरफ जाने की बजाय वो अपनी दाईं ओर खड़ी नाव की तरफ गई है। रिलीज स्टाफ जोर से चिल्लाते हुए अपना हाथ हिला रहा है ताकि सुंदरी उनसे डर कर दूर चली जाए। इसका फायदा हुआ है, सुंदरी जंगल की तरफ मुड़कर हमसे दूर चली गई है। ऑपरेशन कामयाब रहा है, लेकिन डॉक्टर झाला ने अगली सुबह राहत की सांस सिर्फ तब ली है जब रिसर्च टीम को सुंदरी के जीपीएस कॉलर से सिग्नल मिलने शुरू हुए हैं। वो बहुत नजदीक है, बहुत नजदीक। मेरे ख्याल से वो उस डायरेक्शन में करीब 500 मीटर दूर होगी। सुंदरबन के फील्ड डायरेक्टर नीलांजन मलिक उन्हें मुबारकबाद देने के लिए वहां मौजूद हैं। अगर किसी साइंटिफिक स्टडी से टीम को टाइगर्स के बिहेवियर के बारे में समझने में मदद मिलती है तो पार्क मैनेजमेंट के लिए ये अच्छी बात है। हमारे पास सुंदरबन टाइगर रिजर्व के एनिमल्स का कोई बेसिक डेटा नहीं है, तो आपकी स्टडी से हमें काफी फायदा होगा। बिल्कुल।
अगले दो महीनों के लिए सुंदरी को मॉनिटर करने की जिम्मेदारी डॉक्टर झाला के टीम के नौजवान रिसर्चर्स मंजरी रॉय और तेलू सिंह को दे दी गई है। तेलू सिंह खुशकिस्मत है क्योंकि जंगली शूकर का पीछा करते हुए उन्हें सुंदरी की झलक दिखाई दी है, लेकिन सुंदरबन के टाइगर्स के शिकार की कामयाबी की दर सिर्फ 20% है। इस इलाके में बड़े स्तनधारी जीव नहीं है, इसलिए टाइगर्स ने चीतल, जंगली सुअर, रीसस मैकाक और पक्षी खाकर जिंदा रहना सीख लिया है। टाइगर्स को अपना करीब 20% खाना पानी से मिलता है और उसमें मछलियां, केकड़े, वाटर मॉनिटर लिजर्ड्स और कछुए शामिल हैं। सुंदरबन के टाइगर्स को मैंग्रोव्स में शिकार करने के अनोखे तरीके सीखने पड़े हैं, जहां एरियल रूट्स की वजह से शिकार को अचानक हैरान नहीं किया जा सकता। खुशकिस्मती से यहां लेपर्ड जैसे दूसरे बड़े मांसाहारी जीव नहीं है, इसलिए उन्हें शिकार के लिए मुकाबला नहीं करना पड़ता। बॉडी साइज छोटा होने की वजह से उनमें ज्यादा एनर्जी रहती है और इससे दलदली इलाके में जिंदा रहने में उन्हें मदद मिलती है। मैंग्रोव्स में जाकर सुंदरी का पीछा कर पाना लगभग नामुमकिन है, लेकिन देहरादून के बेस कैंप में लगातार मिलने वाले डेटा से एक साफ तस्वीर सामने आने लगी है। ऐसा लगता है कि सुंदरी इस वक्त थोड़ी बेचैन है, वो ज्यादा देर तक एक जगह नहीं रुक रही। जब टाइगर्स एक से दूसरे एरिया में जाते हैं तो वो इन विशाल वाटर चैनल्स के बॉर्डर्स से बनने वाले कोस्टल हाईवेज का इस्तेमाल करते हैं। वो छोटे वाटर चैनल्स को आराम से पार कर लेते हैं। यहाँ एक टाइग्रेस ने बढ़िया काम करते हुए पिछले 4 महीने में इन 2 किलोमीटर और 3 किलोमीटर चौड़े चैनल्स को 2 बार पार किया है। आमतौर पर टाइगर्स 2 से 3 किलोमीटर से ज्यादा चौड़े चैनल को पार करने से बचते हैं, और ये टाइग्रेस इस कोस्टल हाईवे से होती हुई बंगाल की खाड़ी तक पहुंची है। उसने देखा वहां और जमीन नहीं है, इसलिए वो उसी रास्ते से होती हुई उसी आइलैंड में वापस आ गई जहां वो कंफर्टेबल थी और जहां दूसरी टाइग्रेस से उसे बहुत कम मुकाबला करना पड़ता था। ये वो आइलैंड है जहां वो ज्यादातर रहती है और उम्मीद है वो इसे अपना इलाका बना लेगी और यहीं पर सेटल हो जाएगी। शायद यहां उसे एक साथी भी मिल सकेगा और वो बच्चे पैदा करके सुंदरबन के टाइगर्स के जीन पूल को आगे बढ़ाएगी। पिछले कुछ महीनों में सुंदरी पर नजर रखने के दौरान टीम को इन कम नजर आने वाले टाइगर्स की जिंदगी और उनके बिहेवियर के बारे में अहम जानकारी मिली है। हमारे एक सफर के दौरान वो खतरनाक तरीके से एक गांव के बहुत नजदीक आ गई थी। ये पार्क मैनेजमेंट को सावधान करने का वक्त था। वहाँ नाइट पेट्रोलिंग की गई ताकि सुंदरी गांव में ना घुस सके। खुशकिस्मती से वो गांव में नहीं गई। इस इलाके में इंसान और टाइगर के बीच होने वाले संघर्ष टाइगर्स की कंजर्वेशन में एक बड़ी रुकावट बनते रहे हैं, और इन संघर्षों की तादाद को कम करना प्रशासन के लिए एक सबसे बड़ी चुनौती है। इन स्टडीज से बहुत सी अहम चीजें सामने आई हैं, जिनसे इन संघर्षों को कम करने में मदद मिल सकती है। अगर हमारी रिसर्च इस संघर्ष को रोक सकती है या लोगों को मारे जाने से बचा सकती है तो यहाँ टाइगर्स का भविष्य बेहतर होगा। और हमें पता चला है टाइगर्स को ऐसी जगहों पर रहना पसंद है। ये एक एवसीनिया है, यानी ऊंची जमीन पर उगने वाला मैंग्रोव। पाम जैसे दिखने वाले फीनिक्स में शायद टाइगर्स बच्चों को जन्म देते हैं। ये दोनों ही जगह टाइगर्स को बहुत पसंद है। शहद निकालने के लिए अगर लोग इन जगहों पर नहीं जाएंगे तो टाइगर्स से उनके संघर्षों में कमी आएगी। हम ये भी जानते हैं कि टाइगर्स अपने इलाके के बॉर्डर्स इन विशाल वाटर चैनल्स से तय करते हैं, तो अगर इन वाटर चैनल्स में मछली पकड़ना कम हो जाए तो टाइगर्स के साथ होने वाले संघर्ष भी कम होंगे। आमतौर पर टाइगर्स रात को शिकार करते हैं, लेकिन सुंदरबन में वो सुबह 6 बजे से करीब 10 बजे तक सबसे ज्यादा एक्टिव रहते हैं। तो इस दौरान अगर मछली पकड़ने वाले और शहद निकालने वाले लोग ज्यादा सावधान रहें, तो भी टाइगर्स के साथ होने वाली मुठभेड़ों में कमी आएगी। ये सुंदरबन को अलविदा कहने का वक्त है। जब हम डॉक्टर यादवेंद्र देव झाला के मिशन में शामिल हुए तो सुंदरबन के टाइगर्स ऐसा रहस्य थे जिससे हर कोई डरता था।
अब हमारे पास कुछ जवाब हैं, जिनकी मदद से टाइगर्स का यह अनोखा समूह कई पीढ़ियों तक जिंदा रह सकेगा। मैं खुशकिस्मत हूँ कि मुझे सुंदरी से मिलने का मौका मिला।